साइंस फिक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज हम आपके लिए 10 साइंस फिक्शन मूवीज लेके आए हैं। वैसे इससे पहले हम ऑलरेडी साइंस फिक्शन मूवीज पर वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपको वो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक कर सकते हैं। नंबर 10, आफ्टर अर्थ। 2013 में आई एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन फिल्म है, तो इस फिल्म के लीड रोल में हमें विल स्मिथ दिखते हैं। और ये सेकंड मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बाद, जिसमें विल स्मिथ और उनके बेटे जेडन स्मिथ ने फादर सन का रोल किया है। तो बेसिकली इस मूवी में हमें 31st सेंचुरी दिखाई जाती है, जहाँ ह्यूमंस अर्थ छोड़कर किसी और प्लेनेट पर रहते हैं थैंक्स टू एलन मस्क। तो अब एक हाई रैंकिंग जनरल और उनका बेटा स्पेस फ्लाइट इंसिडेंट के बाद अपने आप को एक प्लेनेट पर पाते हैं, और ये प्लेनेट अर्थ ही होता है। अब ये यहाँ से कैसे सर्वाइव करेंगे, यही सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। प्लस ये मूवी अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। नंबर 9, ब्लड शॉट। 2020 में एक सुपर हीरो फिल्म है जो कि वेलेंट कॉमिक्स पे बेस्ड है। तो ये स्टोरी रे गैरिसन की है, जो कि एक बैटल के दौरान मारा जाता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन उसको उसकी ज़िंदगी भी वापस करती है प्लस कुछ सुपर पावर्स भी, जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन रे गैरिसन को एक वेपन की तरह यूज कर सके। अब ये मूवी भी आप अमेजोन प्राइम पर देख सकते हैं। नंबर 8, जेमिनी मैन। 2019 में एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। तो ये स्टोरी एक रिटायरिंग हिटमैन की है, जो कि खुद टारगेट हो रहा था उसी के यंगर क्लोन से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, और ये मूवी भी अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है। नंबर 7, अंडर वाटर। 2020 में एक साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म है। तो बेसिकली इस मूवी में हमें ग्रुप दिखाया जाता है वर्कर्स का, और जिस जगह वो काम करते हैं वो ओशन के एकदम बीचों बीच है। अब एक अर्थक्वेक के वजह से उनकी ये फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इसी के बाद इन वर्कर्स को उन्हें डिफरेंट फीचर्स दिखने लगते हैं। अब 20th सेंचुरी फॉक्स की ये लास्ट मूवी थी, क्योंकि फिर डिज्नी ने उन्हें खरीद लिया था। डिज्नी सब खरीद लेता है, इसलिए आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 6, अंडर द स्किन। 2013 में आई एक साइंस फिक्शन फिल्म है। अब ये मूवी 2000 में आई एक नॉवल पे बेस्ड है। तो बेसिकली इस मूवी में हमें स्कारलेट जोहानसन एज लीड रोल में दिखती है, जो कि एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग है, और उसने अपने आप को एक फीमेल बॉडी दे रखी है। अभी स्कॉटलैंड में बस आदमी को सेड्यूस करती है और दूसरे डायमेंशन में भेज देती है, जहाँ वो बस नीट के अलावा और कुछ नहीं है। नंबर 5, द प्लेटफॉर्म। 2019 में एक सोशल साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है। तो इस मूवी का मेन फोकस अमीरी गरीबी पे है। तो अब इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि दो लोगों को एक ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ खाना एक प्लेटफॉर्म के जरिए आता है, और 2 मिनट में वो जितना खा सके ये उनके नसीब में है, और हर 30 दिन बाद उनके फ्लोर चेंज होते हैं जहाँ खाने का सिस्टम बदल जाता है। अब इस मूवी में और आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देखनी पड़ेगी। नंबर 4, ऑब्लिवियन। 2013 में पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। तो इस मूवी में हमें 2077 का अर्थ दिखाया जाता है, जहाँ अर्थ पर इंसान नहीं रहते, वो अब टाइटन पर रहते हैं, जो कि सैटर्न का एक मून है। तो कुछ एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग से वॉर होने के बाद इंसानों का ये हाल हुआ होता है। तो ऐसे में हमें टेक्नीशियन की शैली को दिखाया जाता है, जिसको किसी काम से अर्थ पर भेजा जाता है। अब आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी नेटफ्लिक्स पे देखनी पड़ेगी। नंबर 3, सनशाइन। 2007 में ही साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। तो ये मूवी हमें 2057 में ले जाती है। तो इस मूवी में हमें एक एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप दिखाया जाता है, जिनको एक काफ़ी डेंजरस मिशन दिया जाता है, जिसमें उन्हें सन को बचाना होता है, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो अब क्या ये इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 2, द एबिस। 1989 में ये साइंस फिक्शन फिल्म है, और इस मूवी को जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है। ये वही है जिन्होंने टाइटैनिक, अवतार और टर्मिनेटर जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। बेसिकली ये मूवी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए एकेडमी अवार्ड जीत चुकी है। तो इस मूवी में हमें एक डाइविंग टीम दिखाई जाती है, जो कि खोए हुए न्यूक्लियर सबमरीन की खोज में होते हैं, लेकिन ऐसे में इन्हें डीप ओशन में कुछ मिलता है। अब वो क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 1, ब्लेड रनर 2049। 2017 में एक न्यूनॉइड साइंस फिक्शन फिल्म है, और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो बेसिकली ये मूवी 1982 में आई ब्लेड रनर का सीक्वल है। तो इस मूवी में हमें बेसिकली एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसे एक ऐसा सीक्रेट पता चल जाता है जिसे चारों तरफ क्योर कर सकता है। अब ऐसे में ये फॉर्मर ब्लेड रनर की खोज में निकल पड़ता है, जो कि पिछले 30 साल से कहीं गायब था। अब आगे जानने के लिए आपको ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देखनी पड़ेगी। तो ये थी टॉप 10 साइंस फिक्शन मूवी। अब अगर आपको ये मूवी की लिस्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अब ऐसी ही और मूवीज रिकमेंडेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।